तो भाई स्नोफॉल तेज हो चुकी है। इस विंटर के सीजन में दूसरी बार हमें स्नोफॉल देखने को मिल रही है, वो भी लाइव। और ये हमारा किचन टेंट। मॉर्निंग गाइस, जैसे ही सुबह हुई हमने पहले पानी पिया, गर्म पानी मैंने और दीपक भाई ने, हमने पहले ही उठ जाते हैं सनराइज से 6 बजे और फिर हम योगा वगैरह करते हैं, गर्म पानी पीते हैं। अभी हमने डिसाइड किया कि ना यार, ये चाहता नहीं हो गया, मेरे को मत दिखाना, फिर मेरे को हंसी आ जाती है। हवा करते है गाइस, योगा करते है। तो यार वो आप देख रहे हो ना, वो चोटी सी थोड़ी सी दूर है, यहाँ से लग रही है थोड़ी सी दूर। हमने सोचा है कि वहाँ पे ना हाइक करने जाते हैं मैं और दीपक भाई, और हमारे दो साथी सो रहे हैं, उनको सोने देते हैं। चलो साथियों, आज सुबह सुबह ही मन करा कि कुछ एडवेंचरस किया जाए, तो हम पहाड़ चढ़ने के इरादे से आगे बढ़े, पर ये टॉप इतना नजदीक भी नहीं था जितना नीचे दिखने से लगा। है आगे रास्ता, लग तो रहा है स्टीप है थोड़ा। यस, पहुंच गए। इस जगह की असली ब्यूटी तो हमें अब दिखी, जब हमारे आगे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, सिर्फ एक ही चीज, हिमालयन माउंटेन्स। तो गाइस टॉप पे पहुंच चुका हूँ, टॉप पे बड़ा मजा आ रहा है, यहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू दिख रहा है पहाड़ों का, किन्नौर के पहाड़ों का और स्पीति के पहाड़ों का। यहाँ पे ठंड भी ज़्यादा है, हम हाइक करके हल्का सा ऊपर आए और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, यहाँ से पूरे नाकू का 360 व्यू मिल रहा है। अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आगे बहुत अच्छा एडवेंचर करने वाले हैं, आज स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, तो देखते हैं आज का व्लॉग कैसा जाता है। तो गाइस अभी पानी गर्म कर लिया हमने, ब्रश करने जा रहे हैं, उठ चुकी है भानु फाइनली, और इसने कपड़े वपड़े ज्यादा पहन लिए क्योंकि काजा में इससे भी ज्यादा ठंड होगी। गाइस मैं उठ के नीचे आके काम करके वापस ऊपर गई। ऐसे भी जब दिन होता ना टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाता अपने आप, लोग अपना फेस वॉश तो कर लेते, मेरा नहीं कराते। इतना थोड़ा हो गया, मुंह तो छोटा है, मुंह आज का सफर थोड़ा लंबा था, तो फ्रेशन अप होने के बाद हमें लगी जोरों से भूख। तो गाइस अभी सीन ये हो रहा है कि हमने ना पैकिंग कर दी हुई है, दीपक भाई की गाड़ी यहीं पे खड़ी है क्योंकि गाड़ी अभी ना स्टार्ट नहीं हो रही, तो धूप का वेट कर रहे हैं। आगे ना एक ढाबा है, वहां पे ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, दीपक भाई और ये पहले पहुंच चुके हैं और मैं जा रहा हूं यहां से गाड़ी लेके। हमें ना ऐसे स्टिकर्स बनवाने चाहिए हमारे। चलो ये ऑर्डर किया और क्या चाहिए, लीजिए। मेरे क्यों पूछ रहे हो ऐसे। तो गाइज अभी खाना खा के वापस उस हेलीपैड पे आ चुके हैं और भाई ट्राई करने वाले हैं कि भाई की गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं, जो कि काफी रिस्की सिचुएशन है। और ऑल द बेस्ट टू दीपक भाई। क्या हो गया, आज तो धूप भी आ गई। तो गाइज अभी और इंतजार कर रहे हैं, बस इसी चीज का डर है हमें कि बैटरी ना डेड हो जाए, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। धूप की किरणें बढ़ चुकी है बट फिर भी इंजन ठंडा ही पड़ा है, देखते हैं। जैसे धूप नीचे लगी है ना वैसे ही लगे ना अगर। जब मैं और दीपक भाई होते हैं ना तो यार एडवेंचर हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यार क्या है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। इंतजार की घड़ी डुक 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 डुक। क्या हो गया, बैटरी भी गई? ये क्या सदा सदा की, अब तो बैटरी भी नहीं। क्या हो गया भाई, बैटरी खत्म कर दी तुमने सेल्फ मार मार के? वो भाई गया है अपना तारे ढूंढ रहे। भाई हैरियर से स्टार्ट करने की कोशिश क्योंकि बैटरी इसकी फुल है, उसकी डेड है। 2 घंटे थोड़ी सी पीछे करो भाई, गाड़ी पीछे करो। ना ना कोई करंट नहीं देना।
पहले कर दे फोल्ड तार, आई गोल कर दे पहले। तेरी तार बिखर गई पूरी, पहले तार को घुमा खोल के। इसको सब को क्या ड्यूटी पर लगाया, खड़े रहो हिलना नहीं यहाँ से। हम तीन तीन जाने लगे हुए हैं भाई, कितनी देर खड़ना है ऐसे? बस यार सेल्फ मारना बस। ऑन है? नहीं ऑफ है। कैसे हो गया? सुनो ऑन क्या करना है, स्टार्ट ही कर देनी थी। अरे स्टार्ट ही कर देना, बैठो फिर कर दो स्टार्ट सेल्फ मार के। तो सब उठे काम कर रहे हो, एक काम बोला वो भी नहीं कर रहे आप सही से। ओए रुको यार, पटाखे मार खसाट नहीं, आपने दूसरा जोड़ लगाया था उधर, लगाया था मैंने इसलिए रुको। अच्छा उसके बाद लगाना है। हेलो कुत्ता जी, अरे इसने तो जला दिया इसको, ये तार है इतनी प्लस माइनस है पता कुछ है? इधर आओ बाहर, फिर जल गई, फिर जल गई। उठा रही सेल्फ तो? हाँ हाँ। लेगी लेगी, लेगी भाई। अगला सेल्फ लेगी। इधर वाली गाड़ी में 1 लीटर दो भैया, इनकी गाड़ी में। हाँ इस जाओ ना। तो इस बार भी हमने मुसीबत को मिलके भगाया और उसके बाद बढ़ लिए नाको लेक की तरफ जो इस टाइम फ्रोजन थी। कैसा लगा भानु? मस्त, इसके ऊपर हम वॉक कर सकते हैं ना? हाँ हाँ स्लाइड मारो। भैया को पहले गिरते हुए दिखाओ, अभी गिरेंगे भैया। देखा नहीं आपने इसको? देखा था, अभी तो गिरा। वो देखना देखना एक्टर गिरेगा वो। भानु तू मार स्लिप। मैं क्यों मारूं? मत यार टूटेगी तू, अगर डूब जाएगा निकाल। पैर वो स्लिप हो रहा है सच्ची। गाइस मैं माइकल जैक्सन। लेक में चलने में ना अलग ही थ्रिल आ रहा है। दीपक ताल के इतने अंदर हम आए नहीं थे क्योंकि भानु ने आने नहीं दिया था, क्योंकि उस टाइम ना इतनी जमी नहीं थी जितनी जमी है। वो जमी तो थी, हम डर रहे थे क्योंकि वो गहरी बहुत है। और भाई भानु ने जाने नहीं दिया, भानु की गलती है। मुझे जान प्यारी है आपकी। पिछले विंटर एडवेंचर पे तो भानु ने हमें दीपक ताल के अंदर जाने से रोक लिया था, पर इस बार कहां टलने वाले थे हम? पहुंच गए फ्रोजन नाको लेक के बीचों बीच स्टंट करते हुए और दिखाए सबने अपने अपने करतब। सुनो भाभी जी, इनके वजन से नहीं टूट रहे, मेरे वजन से क्या टूटेगी? हाथी चल रहे हैं उसके दिल्ली के वजन से क्या टूटेगी? कुंफू सिर्फ एक वर्कआउट या एक्सरसाइज नहीं, बैलेंसिंग गाइस, बल्कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है और इंसान अपनी इंद्रियों पर काबू पाने के बाद कहलाता है किंग ऑफ द यूनिवर्स। टाइम आ गया था नाको लेक को बाय बाय बोल आगे बढ़ने का और हमने यहाँ से फ्रेश वाटर भरा ताकि आगे कुकिंग में कोई दिक्कत ना आए। बर्फ देख लो, बर्फ पूरी जमी हुई है, वाटरफॉल जमा हुआ है पूरे का पूरा और इधर से पानी आ रहा है पता नहीं किधर से। मजा ही मजा ही। हर तरफ पानी जमा हुआ था और टेम्परेचर्स थे एक्सट्रीम कोल्ड।
स्पीति के रोड्स बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिए हैं अभी बीआरओ ने, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही ड्राइव करने में, बहुत स्मूथ जर्नी जा रही है हमारी। पहले जब मैं आया था तो बीच में रोड आधे बने थे आधे कच्चे थे, बट ट्रैवलर्स के लिए काफी इजी कर दिया हुआ। जैसे जैसे हम स्पीति की तरफ बढ़ रहे थे वैसे ही विंटर्स का प्रकोप भी बढ़ने लगा। गाइस आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सुंदर रोड है, जब हम करगिल से लद्दाख जा रहे थे ना तब भी इतनी ही ब्यूटीफुल रोड आई थी, और साथ में चल रही है हमारे स्पीति रिवर जो कि बिल्कुल सी ग्रीन कलर की है, बड़ा मजा आ रहा है। तो गाइज अभी ग्यू मिनिस्ट्री का बोर्ड आ चुका है जहां से रास्ता कटता है, ये ग्यू टेम्पल है, वहां पे एक ममी प्रिजर्व्ड है 500 सालों से। मैं पहले भी यहां पे आ चुका हूं और काफी ज्यादा सुंदर मिनिस्ट्री है यहां पे, हवा भी बड़ी तेज चलती है उधर। बट फिलहाल हम वेट करेंगे दीपक भाई का यहां पे, वो थोड़ा सा पीछे है, तो देखते हैं हम इधर जाते हैं या सीधा काजा की ओर बढ़ते हैं। हम जा रहे हैं ग्यू मिनिस्ट्री, हमें अंदर से कॉल आई कि हमें वहां जाना चाहिए, तो इसलिए मैं और दीपक भाई ने डिसाइड किया कि हम काजा कल जाएंगे, आज जाएंगे ग्यू मिनिस्ट्री और कैंपिंग भी वहीं पे करेंगे। स्नो पड़ती है तो पड़ती रहने दो। ये किसकी पर्ची है? ये गांव का है सर, उसका मंदिर डेवलपमेंट के लिए ना सर। अच्छा, मंदिर जी, जी, पर पर्सन 30 रुपए सर। अच्छा। ग्यू मिनिस्ट्री में एक बात तो है, जो यहाँ एक बार आ गया उसका हर बार आने का मन करता है, और चाहे यहाँ हवाएं तेज चलती हैं पर यहाँ के नज़ारे आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। गाइस भानु पहली बार देख रही है, कैसा लग रहा है? जिस जिस को ग्यू मम्मी के बारे में नहीं पता वो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके पीछे की कहानी। अरे ठंड, मुझे यहाँ पे कैंप नहीं करना, बहुत ठंड है। ये जगह 10,000 फीट ऊंचाई पर थी, और ये शानदार मॉनेस्ट्री जिसका आर्किटेक्चर बहुत यूनिक है अपनी ब्यूटी की वजह से हजारों टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। में ना इनके ड्रैगन एक होता है देते, जैसे हमारे गरुड़ होता है गरुड़, वैसे स्नो फ्लेक्स पड़ रहे हैं अभी। गाइस स्नो हो रही है मंदिर के भी आसपास, देखो सात वाला, बिल्कुल सात वाला माउंटेन। हाँ। स्नो हो रही है। दीपक भाई स्नो फ्लेक्स आ रहे हैं ऊपर से, सही में? हाँ। कसम से बंकर है वो, देखो बंकर, हर पहाड़ पे बंकर देखेगा आपको। हाँ। आर्मी है इधर। अरे गाइस ग्यू मिनिस्ट्री के पास ना हमें एक फ्लैट मिला खाली, हवा बहुत ज्यादा तेज है। गाड़ी के नीचे से आ रही होगी हवा ना, वो लगाओ अपना चीन की दीवार। अब लग गया ये, ठीक है। टेंट का वो भी लग सकता है कवर। तो गाइस कोर साहब चाय बना रहे हैं, चाय बनाने की ड्यूटी हमने कोर साहब को दी है परमानेंटली, शानू की तरह। जैसे कल कुप्पू भाभी बोल रहे थे कोर साहब को अगर ड्यूटी दे दी तो मैगी और चाय ही बन सकती है, वैसे मैगी और चाय की ड्यूटी इनके पास बस। कितना टाइम लगेगा कोर साहब? टाइम क्योंकि मेरी स्पेशल टी है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको टाइम तो लगेगा ही, मेरे तो अंडा भी वो ब्रेड भी खत्म हो गए खा के। भाई का पता तो है आपको, सीधा अंडा चिपका के ब्रेड में, ना नमक ना मिर्च। अरे यार ऐसे मत बोलो भाई, अच्छी चीजों में टाइम लगता है गाइस। आपने जैम क्यों नहीं रखा है? ब्रेड जैम भी खा लेते है ना, न्यूट्रेला भी छड़े आई, सारा कुछ छड़े आई। उसे क्या सी डाइटिंग करनी, सिर्फ इस परोसे आई है तू के रोटी से चावल बस। मैं आपको ब्रेड देता हूँ ना, पता क्या करना, इस गैस को ना बिल्कुल कम और इसके ऊपर एकदम मैसेज करके डायरेक्टली गैस पे एलपीजी पिन रखते, कभी भी खाना भाई ये कड़वी हो जाएगी चाय। तो गाइस हमारे स्लो मोशन सागर भाई चाय बनाते हुए, मुझे भी धीरे धीरे बोलना पड़ेगा गाइस। तो यार अच्छी चीजों में टाइम लगता है, समझदार बंदे को पता ही है। अच्छा नहीं होता है गाइस, देखेंगे हम पियेंगे चाय तभी बता पाएंगे आपको। ये ना बंदे चार चार लेके मेरे सिर पे खड़े हैं, या तो इधर उधर हो जाओ।
टपरी वाले चाय यू बनाते मिनटों में। उनकी चाय पत्ती ना पहले ही पुरानी वाली बड़ी होती है उसमें। गाइस ये चलता ही रहता है, आपको तभी मजा आएगा व्लॉग देखने में। जब तक हम एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे तो आपको मजा कैसे आएगा? क्यों भाई? भाई चाय कब मिलेगी? परसों। कुछ ज्यादा ही हो गया। अब सागर भाई का टेम्पर थोड़ा हाई हो रहा है। मेरा सिर भी थोड़ा हो रहा है। और इन्होंने ऑर्निंग के बिना ही ऑर्निंग के मजे ले लिए नीचे है। इतनी चाहिए ऑर्निंग बस। बारिश में भी इसमें दो बंदे तो आराम से बच सकते हैं। भाई जहाँ बैठोगे दूसरा कहाँ आएगा? एक और बड़ी पंच लाइन। यस ये गिर गई, गिर गई। जब तक चाय थोड़ी सी गिरे ना तो मस्त स्वाद नहीं आता। ये है गाइस बहाने। अरे इसको सिम करो ना थोड़ा। नहीं नहीं तेज पे पकने दो। तो ये कौन सी वो साहब का स्टाइल है गिराने का? बस कैमरे को चाय का टेस्ट नहीं कराना। गाइस ध्यान से देखिए दरिंदे को, चाय को बर्बाद कर दिया है। खट्टी स्मेल आई मेरे को चाय से यार। चाय कैसी बनी भानु? मानना पड़ेगा अच्छी अच्छी बहुत अच्छी। मतलब मेरे को हिसाब आ गया कि चार जनों की चाय कैसी बनानी। ठंड ने और हवा ने तो बुरे हाल किए हैं, बट हमने चाय पी थोड़ा सा अच्छा लगा। अभी भानु बना रही है बेसन के चीले जो कि इजी है बनाने और हमारा पेट भी अच्छे से भर जाएगा। ठंडी ठंडी हवा। गाइस मैंने सोचा मैं ना जल्दी जल्दी से ही कर लेती हूँ सब्जी वब्जी काटने वाला काम यहीं पे डिग्गी में खड़े खड़े। तो यार इस एडवेंचर के लिए वीडियो को लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है अगर आप नए हो तो, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको कम्फर्ट की वीडियोज भी मिलेगी और एडवेंचर की वीडियोज भी मिलेगी। एट द एंड हमें आपको एंटरटेन करना है और खुद अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना है। देखते रहिए वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए। हल्का हल्का ना मौसम खराब हो रहा है और बादल तो बहुत टाइम से थे बट ना स्नोफ्लेक्स अभी तेज हो रहे हैं। उम्मीद है कि स्नो अच्छी पड़ेगी। दीपक भाई तो ये बोल रहे हैं कि स्पीति रीजन में रेन कम पड़ती है, रेन शेडो एरिया है, तो यहाँ पे उतनी हैवी स्नो नहीं मिलेगी जो हमें सुसु मिली थी, बट फिर भी अगर उससे आधी भी मिल गई ना तो हमारा ट्रिप कम्प्लीट हो जाएगा। बड़ा मजा आएगा गाइस। जिस चीज का इंतजार था वो हो चुकी है। मैं ना लोलो सा फील कर रहा था अभी। मुझे एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज्यादा क्योंकि फ्रेश स्नोफॉल हमें आज फिर से देखने को मिली क्या? अभी स्टार्ट ही हुई है, पूरी रात पड़ेगी, कल भी पड़ेगी क्योंकि अभी स्नो प्रेडिक्शन 2-3 दिन लगातार है। और भानु ऊपर टेंट में ना वो सेट कर रही है चादरें और हमारा टेंट भी लग चुका है। बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, बड़ा मजा आ रहा है। मैं ना दीपक भाई का ग्राउंड टेंट खोलने लगा हूँ क्योंकि इसमें ना हम किचन बनाएंगे और भानु चीले बनाएंगे, मजा आएगा। स्नो और भी बढ़ने वाली थी इसलिए हमने वो सब अरेंजमेंट करा जिससे हम इस वेदर को सेफली एंजॉय कर पाए। फ्रेश स्नोफॉल हो रही है, आपको पहले भी बताया था, थोड़ी हल्की हो रही है बट फिर भी लगातार हो रही है। और इधर हमने ना ग्राउंड टेंट में भानु का किचन सेटअप बना दिया जो हमारा प्लान पहले से था, क्योंकि ये एलपीजी हीटर है और स्टोव भी है तो अंदर हीट भी ट्रैप होगी टेंट में, भानु को ठंड नहीं लगेगी और अंदर से अच्छे से वो खाना बना पाएगी बिना हवा के टेंशन के, है ना भानु? अभी क्या बना रहे हो आप? बेसन के चीले। बेसन के चीले जो कि प्याज टमाटर आलू डाल के बढ़िया मस्त मजे आएंगे खा के। आलू नहीं आलू का एंसर पकते नहीं आलू ना। तो इसमें ये फायदा ग्राउंड टेंट में, नहीं तो हम रूफटॉप में भी कर सकते थे कुकिंग, कि ना एलपीजी सिलेंडर ऊपर थोड़ा शिफ्ट करना मुश्किल काम है, हैवी है, तो इसलिए नीचे कर दिया ताकि ज्यादा आना जाना भी मुश्किल ना हो। भानु को सबसे अच्छा सेटअप यही लगता है। तो गाइस हमारा पहला चीला बनने जा रहा है। ये स्नो तंग तो बहुत करती है, कोई काम आराम से नहीं हो पाता, पर जब ये पड़ती है तो लगता है मानो पूरा ट्रिप सक्सेसफुल हो गया हो और हर बार हमारे चेहरे खुशी से खिल जाते हैं। तो भाई स्नोफॉल तेज हो चुकी है और काफी मजा आ रहा है और सुबह और भी ज्यादा मजा आएगा जब स्नो इकट्ठी होगी। और भानु अंदर बैठी है। इस विंटर के सीजन में दूसरी बार हमें स्नोफॉल देखने को मिल रही है, वो भी लाइव। काफी लकी हैं हम और काफी प्लानिंग के साथ भी हम चलते हैं ताकि हम लाइव स्नोफॉल को एंजॉय कर सके। हमारे टेंट के ऊपर भी स्नो टिकनी शुरू हो गई। भानु बाहर स्नोफॉल हो रही है तगड़ी। मुझे तो अंदर मजा आ रहा है।
गाइस नीचे देख सकते हो भाई का कैंपर भी भर चुका है। तो गाइस हमने टॉप टेंट भी लगा दिया ताकि हम यहाँ पे बैठ के खा सके स्नो में और बॉन फायर कर सके, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो यार इधर लाइव स्नोफॉल हो रही है तो हम बॉन फायर का जुगाड़ लगा रहे हैं अन्नी भाई के साथ। इन मौकों के लिए ही हमने लकड़ी बचा कर रखी थी क्योंकि बॉन फायर के बिना स्नो कैंपिंग भी अधूरी है। इसको उठा दो, उठाना भी है फिर मैंने। स्नो का लेवल बढ़ता ही जा रहा है, देख सकते हो मजा आ रहा है। भाई का टेंट भी भर रहा है धीरे धीरे, ये देखो। ओहो मजेदार, इसी स्नो के लिए तरस रहे थे हम। बिल्कुल यार। और ये हमारा किचन टेंट। लाइव स्नोफॉल में हम खाएंगे बेसन के चिले जो कि शायद भालू ने बनाए हैं ग्राउंड टेंट में बैठकर। बड़ा मजा आने वाला गाइस। ओह माय गॉड, मेरे बाल देखो वाइट वाइट कैसे बीच में। ओ टोपी भी पूरी हो गई है। मैं तो बढ़िया चप्पलों में हूँ, रात को ही चेंज करूंगा अब क्योंकि जराबे ऑलरेडी गिल्ली हो चुकी है। ऐसे कोल्ड वेदर्स में कुकिंग करना बहुत मुश्किल है, पर हैट्स ऑफ कि भानु को कभी खाना बनाने से दिक्कत नहीं हुई चाहे जितनी भी कोल्ड कंडीशंस हो। अभी दोबारा से सेके जा रहे हैं हमारे बेसन के चीले और बॉन फायर के साथ तो स्नोफॉल का मजा और भी बढ़ जाता है। पहले हम थोड़ा सा ना कम चोरी कर रहे थे और हम अपनी अपनी गाड़ियों में घुस के बैठ गए थे, बट फिर हमने सबने ये सोचा कि नहीं यार ये स्नोफॉल को एंजॉय करने के लिए ना हमें स्नोफॉल के बीच में बैठना पड़ेगा। तो हमने ऐसा जुगाड़ लगाया कि हम बैठ भी पाएं और गिले भी ना हों। टेस्ट करके बताओ कैसे है भाई। तो भाई टेस्ट मैं कर रहा हूं पहले। जल्दी करो नहीं भाई, ऑडियंस वेट कर रही है। मस्त बने हैं एकदम। हाँ जी ओवरलैंडर जी, सही बने, फेवरेट है यार ये, मजा आ रहा है। तो गाइस अभी हम ट्राई करेंगे भानु के हाथ के बने बेसन के चीले इन लाइव स्नोफॉल इन स्पीति वैली। मेरा ना सुबह से सिर दुख रहा है बट फिर भी स्नो देख के थोड़ा सा चार्ज हो गया, यहाँ की ना हाइट ज्यादा है। तो पहली बुरकी जो है वो भानु के नाम की भानु के मुंह में जाएगी। सबसे पहली बार कर रहा हूँ मजे। मैं तभी बोल रहा हूँ भाभी जी को बीमार मत होना। तो ये फ्राइड राइस बनाया मैंने और साथ में हल्की से मैंने और साथ में हल्के से दीपक भाई ने भी साथ दिया है। ठीक है, और ये बॉन फायर में इतने मजेदार चावल खाएंगे अभी चीले के बाद। कैसे बने भैया? थैंक यू। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।